और अंबर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनका प्रश्न स्पोर्ट्स से थोड़ा हटके है सर, तो आई विल रिक्वेस्ट अंबर जी कि आप कृपया अपना प्रश्न पूछें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी। नमस्कार ऑनरेबल मिनिस्टर सर। जी नमस्कार जी। Always been one of my favorite ministers, and I have often regarded you as a super minister in Modi ji's Council of Ministers. You are very active on social media, and from time to time we get to see lot of new things on your timeline, especially on Twitter and Instagram. We see some candid photographs, we see some candid videos, like which we say often with no filters. So I just wanted to know, despite having such a busy schedule, what inspires you to share all these positive things on social media? Please enlighten us. Thank you. Yeah, that is a very, very critical question. See, politicians, we are public figures. People look up to us. People look up to the prime minister, the ministers, because we are the chosen people. We are being given mandate by lakhs and lakhs of people. You know, to become a member of parliament, in India, average, the constituency population is so many lakhs. So multiple lakhs of people have, trust, faith on you. And especially once you become minister, you have to inspire the country. So besides the official responsibility which I hold, I feel I have also added responsibility of inspiring the younger generation. So I try to keep it very simple, because my life has to be simple. I am not a complicated person. So I see things as it is. There's no filtration or there's no dilution. So jaise hum Hindi mein kehte hain sada jeevan. Mera jeevan sada hai, sab dekh sakte hain aur sab usko samajh sakte hain. Bahut saral tarike se main jeeta hun. To aise hi main jaise Arunachal se aata hun. Arunachal ke bare mein pehle main mantri banne se pehle bahut log nahi jante the. Lekin अब लोगों को पता चला, अच्छा अरुणाचल से भी हमारा सांसद है और वो मंत्री है। तो उसके अलावा मोदी जी के आने से पहले 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट भी तो ऐसे ही था। नॉर्थ ईस्ट और हमारा बाकी जो देश के अन्य हिस्सों में एक गैप सा नजर आता था। तो उसको हम प्रोएक्टिवली अगर प्ले करेंगे, अगर हम अपना एक्टिवनेस जो है अपना एक्टिविटी के जरिए से लोगों को दिखाएंगे, तो पूरा देश के लिए ये एक नेशनल इंटीग्रेशन की दृष्टि से भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहचान होते हैं कि हाँ किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से और देश के सेवा कर रहे हैं, मोदी जी के सरकार में मंत्री है। तो इस तरह का जब मैं गृह राज्य मंत्री थे तब भी मैं एक्टिविटी करते रहते थे और हर समय बॉर्डर जाना, फौजियों के साथ हमारा जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के साथ रहना, जंगल में जाना, उनके साथ रहना, खाना पीना, इस तरीके से प्रोएक्टिव लाइफ जो है वो आप को बहुत बल देता है, उससे एनर्जाइज होते हैं। तो हम देखते थे उस समय हमारे पुलिस फोर्सेस बहुत एंथुसियास्टिक होते थे जब हम लोग उनके वहां पहुंचते थे, उनके साथ खाना पीना खाता है, खेलता थे। तो आज भी जब मैं किसी भी स्पोर्ट्स का जो ट्रेनिंग एकेडमी में जाता हूं, तो उनके साथ मैं गुड़ मिल जाता हूं, कभी एक दो शॉट खेल भी लेता हूं, या मैं जब गांव जाता हूं तो गांव का तस्वीर को शेयर करता हूं, नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। तो मेरा मेन मकसद ये है कि जीवन को बहुत ही साधारण तरीके से हम जीते हैं, और वो साधारणता जो है लोगों को प्रोत्साहित कैसे करें एक पॉजिटिव वे में, तो पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए ही मेरा जो जीने का तरीका है उसको मैं अपने जो सोशल मीडिया का हैंडल के माध्यम से भी लाने का कोशिश करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद।